Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the course Learning English Through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें इस कोर्स की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे इस कोर्स के लिए और सभी लेसन्स के लिए इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स टू प्लेस आईएनजी इन वर्ब. हम क्या रूल्स फॉलो करके वर्ब के बाद आईएनजी, जब हम वर्ब का फॉर्म बदलते हैं आईएनजी वाले फॉर्म में, क्या रूल्स लगाते हैं, कैसे क्यों लगाते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं. हमारे कंटिन्यूस टेंस में जो पिछला हमारा लेसन है, हमने देखा था कि सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में वी वन आईएनजी मतलब वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म का यूज होता है. सो नाउ लेट्स लर्न कि हम कैसे क्रिएट करते हैं वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म. रूल नंबर वन, जब भी वी वन मतलब बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है उसका आखिरी वर्ण ई हो, आखिरी अल्फाबेट ई हो और ई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम ई हटाकर आईएनजी लगा देते हैं. कॉन्सोनेंट मतलब जो मेरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उसमें से अगर ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांच अल्फाबेट्स को हटा दूं तो बाकी बचे हुए सारे अल्फाबेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए कम, सी ओ एम ई मतलब आना, ई जो है आखिरी में आ रहा है और एम जो है कॉन्सोनेंट है, तो जब इस वर्ब में मैं आई एन जी लगाऊंगी तो ई को हटा दूंगी और हम सी ओ एम आई एन जी इस तरह से कमिंग वर्ड बनेगा. मेक, एम ए के ई, मेक मतलब बनाना, ई आखिरी में आ रहा है, ई के जस्ट पहले आ रहा है के जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसे जब हम वी वन आई एन जी वाला फॉर्म बनाएंगे वर्ब का तो एम ए के आई एन जी, ई हटाकर आई एन जी लगाएंगे और मेकिंग शब्द को बनाएंगे. रूल नंबर टू, जब भी हमारे वी वन के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल हो, तो हम आखिरी वर्ण मतलब आखिरी अल्फाबेट को दोबारा लिखेंगे फिर आई एन जी लगाएंगे. वी वन हमारा वर्ब का मेन फॉर्म हो गया. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं रन, आर यू एन, उसके जो लास्ट वर्ड है रन का वो है एन जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले यू है जो कि एक वॉवल है, इसलिए मैं जब रनिंग शब्द को बनाऊंगी तो जो आर यू एन लास्ट एन है उसको एक और बार रिपीट करेंगे फिर हम आई एन जी लगाएंगे, ऐसे हमारा रनिंग शब्द बनेगा. उसी प्रकार सिट, एस आई टी मतलब बैठना, टी जो है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, टी के पहले आई लगा है जो कि वॉवल है, इसलिए जब हम सिट से सिटिंग शब्द बनाएंगे तो टी जो है उसे एक और बार लिखेंगे उसके बाद में हम आई एन जी लगाएंगे. लेट्स सी नेक्स्ट रूल्स. रूल नंबर थ्री, जब वी वन के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवल हो, तो हम सीधे सीधे आई एन जी लगा देते हैं. वंस अगेन टू रिमाइंड यू, वी वन जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू, इन पांच अल्फाबेट्स को छोड़ के इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं और वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये पांच अल्फाबेट वॉवल्स हैं. तो अगर ऐसे वर्ब वाले हमें वर्ड्स मिलते हैं जो कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके जस्ट पहले दो वॉवल्स आए हों लगातार, तो हम अगेन लास्ट वाले लेटर को वापस रिपीट नहीं करेंगे लेकिन डायरेक्ट आई एन जी लगा देंगे. रेन, आर ए आई एन, एन जो है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, ए और आई वॉवल है, हम जब आई एन जी लगाएंगे तो डायरेक्ट आई एन जी लगा देंगे इस वर्ड में. वेट मतलब रुकना, डब्ल्यू ए आई टी, टी मेरा कॉन्सोनेंट है और टी के पहले वाले जो दो लेटर है ए और आई दोनों ही वॉवल हैं, जब आई एन जी लगाएंगे तो डायरेक्टली हम इसमें आई एन जी लगा सकते हैं. रूल नंबर फोर, जब वी वन के अंत में डब्ल्यू एक्स वाई इस तरह से कोई तीनों में से एक लेटर आए तो तब भी हम सीधे आई एन जी लगा सकते हैं. हमारा वर्ब है यहाँ पे एग्जाम्पल में प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले के आखिरी में जो लेटर है वो है वाई, इसलिए हम डायरेक्टली आई एन जी लगा देंगे. ड्रॉ मतलब कि चित्र बनाना या फिर हम किसी चीज को ड्रॉ जब करते हैं, क्रिएट करते हैं,
उसके लिए ड्रॉ शब्द का यूज होता है, और डब्ल्यू से एंड हो रहा है इसलिए हम डायरेक्टली आईएनजी इसमें लगा सकते हैं। रूल नंबर 5, जब भी V1 के आखिरी 4 वर्ण इस तरीके से हों तो हम सीधे सीधे आईएनजी लगा देते हैं। क्या तरीका है? लास्ट के जो 4 अल्फाबेट हैं वो वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वापस वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह का सीक्वेंस हमको मिल रहा हो हमारे वर्ब के मेन फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली आईएनजी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कवर, COVER, कवर, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आखिरी के 4 अल्फाबेट हैं वो है ओ जो कि मेरा वॉवल है, वी जो कि कॉन्सोनेंट है, ई जो कि वापस वॉवल है और आर जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसमें डायरेक्टली हम आईएनजी लगा देंगे। फिर हम देखते हैं ओपन, OPEN, इसमें चार ही, पूरे वर्ड में 4 ही लेटर्स हैं, ओ मेरा वॉवल है, पी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है और एन वापस कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम डायरेक्टली आईएनजी लगा सकते हैं। लास्ट रूल, रूल नंबर 6, जब भी मुझे मेरे वर्ब के आखिरी 4 वर्ण इस तरह के फॉर्मेट में मिले तो हम दो जो अंतिम वर्ण है लास्ट अल्फाबेट उसको दोबारा लिखकर आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? पहले कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल और लास्ट में कॉन्सोनेंट। आपको अगर ऐसा सीक्वेंस मिलता है, पहला सीक्वेंस था वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, अभी दूसरा सीक्वेंस है आखिरी के 4 जो अल्फाबेट्स हैं वर्ब के वो हम चेक करेंगे, कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, अगर ऐसा सीक्वेंस मिलता है तो हम लास्ट वाले लेटर को वापस से लिखेंगे उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल ट्रांसफर, आखिरी के 4 लेटर हैं SFER, एस मेरा कॉन्सोनेंट है, एफ भी मेरा कॉन्सोनेंट है, ई मेरा वॉवल है, आर वापस से कॉन्सोनेंट है, तो हम जब ट्रांसफरिंग शब्द बनाएंगे तो आर को एक और बार लिखेंगे फिर आईएनजी लगाएंगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप मतलब रुकना, STOP, इसमें ये पूरे वर्ड में केवल 4 ही अल्फाबेट्स हैं, 4 ही वर्ण हैं, एस है कॉन्सोनेंट, टी है कॉन्सोनेंट, ओ है वॉवल और पी वापस कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब मैं इसमें आईएनजी लगाऊंगी तो पी को एक और बार रिपीट करेंगे हम और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। तो ये थे 6 रूल्स आईएनजी लगाने में के लिए, जब भी आप वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं आईएनजी में आप इनको फॉलो करिए तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे रिटन इंग्लिश में स्पेशली। Thank you everyone. Don't miss to comment, rate, review and recommend. Keep learning, keep growing.